हेलो दोस्तों, एडगोवा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जंकयार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का हॉट एयर गन और इसके यूजेस। दोस्तों, ये गन आपको एक एडिशनल अटैचमेंट के साथ मिलती है, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये इसके साथ कनेक्ट करके आप इसकी जो हॉट एयर है, 400 से 500 डिग्री की हॉट एयर जो यहाँ से आएगी, उसको आप फोकस कर सकते हैं, छोटे फ्लो में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं दोस्तों। इससे आप श्रिंक रैप कर सकते हैं, कुछ पैकिंग वगैरह आपको करना है तो कर सकते हैं। इसमें दो मोड्स मिलते हैं, हाई ऑफ, ये देखिए बीच में ऑफ है, और ऊपर ये हाई है और लो। लो में आप उस प्रकार से, हाई में जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है हीट। और इसको दोस्तों ध्यान रखें कि 2 मिनट से ज़्यादा इसको आपको यूज़ नहीं करना है, वरना आप इसको डैमेज कर सकते हैं, इसका प्लास्टिक कंपोनेंट वगैरह गल सकते हैं, और बाद में इसमें कंपनी का वगैरह कोई दोष नहीं रहता दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा 400-500 डिग्री की हीट तो आप कोई टॉलरेट नहीं कर सकते, नहीं तो प्लास्टिक है बाहर से, तो बाद में आप प्रोडक्ट को लोग रिव्यू बैड वगैरह देते हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्ट का कोई इशू नहीं है दोस्तों। ये देखिए, हमने ये शुरू किया है यहाँ पे, और हम प्लास्टिक का, ये जो मेटल का पेंट स्ट्रिप कराने के दावा कर रही है गन, हम देखेंगे कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने इस लो मोड पे यहाँ पे लगा दिया है, स्टार्ट कर दिया है यहाँ से, और इसको हम अभी थोड़ी देर गर्म करके देखेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म हवा आती है, इसको किसी इंसान या किसी जलने वाली चीज़ की तरफ फोकस ना करें दोस्तों, जल्दी मेल्ट हो सकती है किसी ज्वलनशील पदार्थ या कोई स्प्रेस वगैरह होते हैं, जैसे आपके मॉस्किटो स्प्रेस, उनकी तरफ वगैरह आप इसको फोकस ना करें। सभी ऐसी जलने वाली चीज़ें जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से हटाएं, और उसके बाद ही कुछ काम करें वहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा आप सरफेस मेटल या स्टोन सरफेस पे काम इससे आपको करना होगा। ये देखिए, इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म अभी कर लिया है दोस्तों। ये देखिए, और इसकी हीट जो है बहुत ज़्यादा, इसका इस्तेमाल बताया जाता है कि पेंट को रिमूव करने में, श्रिंक रैपिंग करने में, और बहुत पाइप वगैरह जहाँ आपको बैंड करना है, प्लास्टिक चीज़ें आपको बैंड करनी होती हैं, रस्टेड नट्स, नट बोल्ट जो है निकालने होते हैं, जहाँ पे आप हीट अच्छी तरह से पहुंचा नहीं सकते, उस जगह पे आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म है दोस्तों। हम देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। कोई पुराना बॉटल ओपनर है दोस्तों, पड़ा हुआ था तो मैंने इस पर ही ट्रायल लेना चाहा। ये देखिए, लेकिन यहाँ पेंट वगैरह कुछ निकल नहीं रहा है दोस्तों, शायद मुझे अच्छी तरह से नहीं किया होगा मैंने। चलिए अगला ट्राई करते हैं दोस्तों। ये प्लास्टिक का एक खिलौना है, उसके ऊपर हम ये लो मोड में चला करके देखते हैं दोस्तों। गन देखिए, गन चला के देखेंगे क्या ये मेल्ट होता है या बर्न होता है, क्या होता है हम देखेंगे दोस्तों। तो ये मैंने गन चला दिया है, और यहाँ पे हम इसको रख के ट्रायल्स लेंगे दोस्तों। इस ऐसी सारी चीज़ें आपके स्टॉक में होनी चाहिए घर में दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हॉबीस्ट हैं तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेल्ट होने लगा है, और ये देखिए आसानी से मेल्ट होने लगा है, इसका मतलब ये बढ़िया से काम करता है, और जहाँ जितनी हीट की ज़रूरत होती है हीट हम एडजस्ट कर सकेंगे। जैसे ही हम गन को थोड़ी सी ऊपर उठाते हैं हीट कम हो जाएगी, जैसे ही नज़दीक लेके जाएंगे और हाई मोड करेंगे हीट ज़्यादा होते जाएगी, और इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा तरह तरह की चीज़ें हम इससे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी हद तक प्लास्टिक बैंड हो गया है अपने आप, और सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।